वेलकम बैक। आज के हम इस सेशन में क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का वीडियो बताते हैं। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इमेज फॉर्मेशन जब आप स्फेरिकल मिरर में या लेंस में जब बनाते हैं या फॉर्मेशन होता है, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसको मैंने रूल्स जो है स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने का, उसको हमने आपको पिछले सेशन में बताया था। तो उसको मैं फिर एक बार रिकॉल करता हूँ कि चार रूल हम समझे थे, जिसमें पहला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कनकेव मिरर में फोकस से कन्वर्ज होता है और कन्वेक्स में फोकस से डाइवर्ज होता है। कोई अगर एफ से जाएगा तो एफ से ही पैरेलल जो है ना, एफ से अगर आ रहा है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिट्रेस हो जाता है। और चौथा था आई इज इक्वल टू आर। लेकिन जब हम इमेज बनाते हैं तो इमेज बनाने के टाइम में हमको चारों रूल नहीं फॉलो करना होता, कोई दो रूल फॉलो करना होता है। और उस दोनों रूल में भी हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं पैरेलल वाले को और सेंटर वाले को। अगर सेंटर काम नहीं कर रहा तब हम फोकस से या कोई आप चौथा रूल भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, कनकेव मिरर में जब इमेज बनता है तो टोटल 6 केस है। पहला केस क्या है कि अगर कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, उसका साइज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा और इमेज का साइज हाईली मैग्निफाइड हो जाएगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तीसरा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन सी पर ही होता है और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है और साइज जो होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तीन हुआ। चौथा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो सी और एफ के बीच में होता है, इमेज का साइज स्मॉलर होता है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ऑब्जेक्ट को अगर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनता है, उसका साइज लार्जर होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अभी जो मैंने 5 केस बताया ऑब्जेक्ट के पोजीशन का, कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर है, ऑब्जेक्ट जब सी पर है, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में है, इस 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो रियल इमेज का मतलब होता है जो स्क्रीन पर बनता है, मतलब मिरर का जो स्क्रीन होता है वो अनपॉलिश साइड की तरफ होता है। तो अगर इमेज अनपॉलिश साइड की तरफ बन जाएगा इसका मतलब रियल इमेज हो जाएगा, जब भी रियल बनेगा तो वो उल्टा बनता है, मतलब इन्वर्टेड बनता है। तो कनकेव मिरर में अभी तक 5 केस के अकॉर्डिंगली सेम साइज का भी बना, बड़ा भी बना, बहुत बड़ा, हाईली मैग्निफाइड भी बना, हाईली डिमिनिश्ड भी बना, छोटा भी बना, बड़ा भी बना, और ये 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड बना। अब सवाल ये उठता है कि क्या कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है कि नहीं। तो एक केस है कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल भी बनाता है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस केस में वो पॉलिश साइड में जाके बनता है, मतलब स्किन पर नहीं बनता है, इसका मतलब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, उसका नेचर जो है वर्चुअल इरेक्ट तो हुआ और उसका साइज जो होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये आपके बुक में टेबल में भी दिया है, वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम बना के दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को हम अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं, आप जैसे मान लीजिए आप कोई कनकेव मिरर बना लेंगे और कनकेव मिरर बनाने के बाद ये पोल आप यहां दे दोगे, लेकिन इमेज बनाने के केस में हम जैसे बोर्ड पर फ्री हैंड बना रहे हैं तो आप कॉपी पर फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, आपको एक्चुअल मेजरमेंट करके लेना होगा। मान लीजिए हम पोल से 3 सेंटीमीटर पर एफ लिए तो
फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि मिरर में हम सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो फिर यहां से 3 सेंटीमीटर पर आप ट्री लेंगे। ठीक है, अब अगर पायलट कहता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पर रखेंगे, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर आपको दिखता नहीं है, इसीलिए आप सुविधा के लिए इस प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना भी सकते हो। अगर मान लीजिए हम सदर के लिए बना दिए, ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा। इन्फिनिटी के केस में सिर्फ पैरेलल रे ही ले जाएंगे, एक यहां से लाएंगे, ये इस फोकस से कन्वर्ट कर गया, एक यहां से ले जाएंगे ये फोकस पर कन्वर्ट कर गया, यहां पर मिला, इसका मतलब इमेज कहां बना। अगर ऑब्जेक्ट ये नहीं भी देना, कोई जरूरी नहीं, आप ये मत दे भी सकते हैं, तो हम ये याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बना, फोकस पर बना, और हाइट जो लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे, क्योंकि अनपॉलिश साइड में बना, स्किन पर बना, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरा, अभी जैसे ये मान लीजिए फिर हम एक कंकेव मिरर बनाएंगे, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है, ये तो समझ के नाप के लेना है आपको। इस बार हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, देखिए रख, पहला रूल क्या है कि हम यहां से पैरेलल ले जाएंगे तो ये फोकस से पास किया, और दूसरा आप इसको ऐसे लाएंगे सी से तो ये सी से वापस हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और ये कम मिलेगा आपको, इसका मतलब ये हो गया कि आपके कॉपी से बाहर जाके मिलेगा, इसका मतलब इमेज कहां, इन्फिनिटी पर बनेगा, बट स्क्रीन साइड में बन रहा है, इसीलिए रियल होगा और हाईली मैग्निफाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी का तीसरा केस आता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पर रखते हैं, अब तीसरा केस है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पर रखें, अब जैसे यहां है ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए सी पर रखेंगे, रूल फॉलो करना, यहां से हम ले गए पैरेलल, फोकस से पास किया, अब आप सी से ला नहीं सकते क्योंकि सी से लाओगे तो मिरर से टकराएगा नहीं, जब तक मिरर से वो स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको सी से नहीं ले जा सकते, इसीलिए तीसरा रूल अडॉप्ट करेंगे, फोकस पे ले जाएंगे, तो फोकस पे लेंगे तो फिर ये यहीं पर आके जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट जब सी पर था तो इमेज भी क्या सी ए पर बना, स्क्रीन पर बना, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट का है और इमेज का है तो दोनों बराबर है। ठीक है, चौथा फिर देखिए कि अब अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सी रख दिया, फिर रूल फॉलो कीजिए, यहां से पैरेलल ले जाएंगे, फोकस के पास किया, सी से ले जाएंगे, सी एस से वापस आएगा, तो कहां पर मिला, ये इस पॉइंट पर मिला, इसको आप इससे मेजर कीजिए तो ये हाइट मिल गई। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनता है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, और इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या थोड़ा छोटा है, स्मॉलर है। फिर है कि अब अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख देंगे, इस बार अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, एफ है, ये सी है, यहां से पैरेलल ले गए, फोकस से आए, ऑब्जेक्ट को जब हम सी और एफ के बीच में रखे तो पहला रूल फॉलो किए कि पैरेलल ले गए, फोकस से पास किया, और दूसरा है कि अगर आप इसको सी से लाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्योंकि ये लाइन साफ तो मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो एक्यूरेसी आपको इस तरह से बन जाएगी। तो पहला तो जब सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहला पैरेलल ले जाइएगा, दूसरा सी से लाइएगा, तो रिफ्लेक्ट होके आप खुद देखिएगा कि सी के पीछे यानी बियॉन्ड सी मिलता है, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड सी हो जाता है, और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसीलिए हम कहेंगे कि इमेज का साइज लार्जर होता है देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्किन पर बनता है इसीलिए रियल और इन्वर्टेड। अभी जो पांच केस हम बनाए तो पांचों केस में इधरे बना है, मतलब अनपॉलिश साइड की तरफ बना है, इसीलिए रियल इमेज बना है।
अब है कि अगर हम किसी भी कंकेव मिरर में क्या वर्चुअल इमेज बन सकता है कि नहीं, पॉली स्फीयर बन सकता है, बिल्कुल बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखिएगा। जब ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब फोकल लेंथ से कम होगा, उस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। फिर हमको रूल फॉलो करते हैं, यहां से पैरेलल ले जाएंगे और ये फोकस के पास किया और इसको सी से लाएंगे तो ये सी एस से वापस होता है, तो आप देखेंगे खुद किधर बहुत ज्यादा फैला रहेगा। इसका मतलब इधर नहीं मिल सकता है। इसको हम ब्रेक लाइन में ले जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कॉपी में कहीं ना कहीं इस साइड क्या ये मिल जाता है। तो क्योंकि पॉलिश साइड बना, इसका मतलब स्किन पर नहीं बना, इसीलिए वर्चुअल इमेज हो गया, इरेक्ट हो गया, मतलब सीधा हो गया, और ये भी इनलार्ज बनता है, मतलब ये भी बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर 6 केस में इमेज बनाता है, जिसमें 5 केस में रियल इमेज इधर बनाता है और 1 केस में वर्चुअल बनाता है। तो वर्चुअल कब बनाता है? जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। क्लियर ना? तो अब चलिए कि कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब अगर हम यहाँ कनकेव नहीं कन्वेक्स कर देते हैं, तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर का आप पढ़े होंगे, इसका यूज हम साइड मिरर में करते हैं, रियर व्यू मिरर में करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी वाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वर्चुअल इमेज और स्मॉलर इमेज बनाता है और सीधा इमेज बनाता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में दो ही केस में बनता है, एक इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी से पोल के बीच में आप कहीं भी रखते हो, तो दो ही केस में। तो पहला केस है कि अगर मान लीजिए हम कोई कन्वेक्स मिरर इस बार बनाते हैं, तो कन्वेक्स मिरर में ये पोल है, ये इसका फोकस और ये सी है। मान लीजिए इस बार भी इंफिनिटी पर ये ऑब्जेक्ट दे दीजिए, यहां से पैरेलल ले गए, यहां से भी पैरेलल ले गए, ये डाइवर्ज किया इधर और डाइवर्ज करके ये फोकस से मिल गया। तो कहां बना? तो कन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है बट पॉलिश साइड की तरफ होता है, इसका मतलब स्किन पर नहीं होता है, इसीलिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है। ठीक है, दूसरा है अगर इसी में हम ये कहें कि अगर हम इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख देंगे, जैसे कन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है, इसके बाद इंफिनिटी शुरू हो जाता है, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी मान लीजिए यहां रख दीजिए, इसका पोजिशन क्या कहलाएगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर में जब भी इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा तो इमेज इसी के बीच में बनेगा, कहां? पोल और फोकस के बीच में। यहां से पैरेलल ले जाएंगे, ये पहले डाइवर्ज किया, इसको फोकस पे ले जाइएगा, दूसरा आप इसको सी से ले जाइए, तो देखिए यहां पर बन गया। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, और ऑब्जेक्ट जब पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, बट दोनों केस में पॉलिश साइड की तरफ बनेगा, मतलब स्किन पर नहीं बनेगा, इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इन्फिनिटी में फोकस पर बनता है जो हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज होता है, और जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है तो इमेज का पोजीशन पोल और फोकस के बीच में हो जाता है, और इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, इस रूल्स को फॉलो करके हम स्फेरिकल मिरर में इमेज बना सकते हैं। तो आप क्या देखें कि कनकेव मिरर में 6 केस में इमेज बनता है, जिसमें 5 केस में रियल इमेज बनता है, और 6th केस था जब पोल और फोकस के बीच में रखे थे तो वर्चुअल इमेज बनता है। कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, एक इन्फिनिटी और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो पोल और फोकस के बीच में बनता है, बट दोनों केस में पॉलिश साइड बनता है, इसका मतलब स्किन पर नहीं बनता, इसीलिए हम उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख के इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। फिर अगले के वीडियो में हम न्यूमेरिकल बताएंगे। थैंक यू।